अब स्टार्ट। तो जो लिख रहा हूं उसे लिखें। इंसुलिन इंसुलिन और ग्लूकागन दोनों जॉइंटली क्या करते हैं? जॉइंटली मेंटेन करते हैं क्या? ग्लूकोज होमियोस्टेसिस। और ग्लूकोज होमियोस्टेसिस का मतलब होता है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज, सामान्य ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने को ग्लूकोज होमियोस्टेसिस कहते हैं, और दोनों मिल के मेंटेन करते हैं। क्यों? ये जो ग्लूकागन है ये काम करता है एक्ट एज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन का मतलब है कि बढ़ा देंगे ब्लड ग्लूकोज को, और अगर ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है तो इसको कहा जाता है हाइपरग्लाइसीमिया। तो ग्लूकागन एक्ट एज हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन, ये बढ़ा देता है ब्लड ग्लूकोज, लिखते चलें, और इसको कहते हैं क्या? सुनो, तीनों लोग उठो वहां बैठो और दो लोग वहां बैठो तो दिखाई पड़ेगा। पक्का? ठीक है। जबकि इंसुलिन काम करता है एक्ट एज हाइपो ग्लाइसेमिक हार्मोन। और हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन का मतलब ऐसा जो ब्लड में ग्लूकोज घटा दे, इसका मतलब है घटा देगा ब्लड ग्लूकोज, और इसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये हो गया हाइपोग्लाइसिमिक हार्मोन क्योंकि ये करता है हाइपोग्लाइसीमिया, ये हो गया हाइपरग्लाइसिमिक हार्मोन क्योंकि ये करता है हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, दोनों हो गए क्लियर, इतना लिख लो, आगे बढ़े। या तो ना लिखो, इसका पीडीएफ दे देंगे, लिख लेना। हैं, बढ़े आगे। सिर ऐसे ऐसे का हिला रहे हो, अगर बाद में लिख लो तो पीडीएफ दे देंगे। अच्छा लिख लो भैया, जान निकल जाएगी। लेकिन थोड़ा फिर जल्दी लिखो। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल मेनली मेंटेन बाय, तो आंसर क्या दोगे? तो इंसुलिन दीजिएगा क्योंकि मेन काम इंसुलिन का ही है, ग्लूकागन का काम कम होता है, एनसीआरटी में लिखा हुआ है। अब असली चीज हमको ये पढ़नी है कि आखिर इंसुलिन के पास ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि ये ब्लड में ग्लूकोज को घटा देता है, या ग्लूकागन के पास ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा
बढ़ा देता है, तो कुछ ना कुछ तो करता ही होगा, तभी तो होता होगा। शुरू करें, ये पहले से ही पता है कि इंसुलिन कहाँ काम करता है, हिपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट, एनसीएटिम लिखा है, और ये हिपेटोसाइट हुआ है। बढ़े तो देखो, इंसुलिन करता क्या है, फंक्शन ऑफ इंसुलिन। तो देखो इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन का सीधा सीधा पर्पज है कि किसी भी तरीके से क्या बढ़ाओ, सॉरी किसी भी तरीके से घटा दो ब्लड ग्लूकोज। तो देखो कैसे घटाएंगे, इधर देखिए, मान लेते हैं कि ये ब्लड वेसल है और मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर सेल है जिसको हम लोग एडिपोसाइट कह लें चाहे हिपेटोसाइट कह लें, एडिपोसाइट हो चाहे हिपेटोसाइट हो, देखो करना क्या है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज घटे तो एक काम ना करिए, किसी भी तरीके से यहां से ग्लूकोज को यहां भेज दीजिए। तो अगर ग्लूकोज यहां से यहां जाएगा तो यहां क्या होगा, कम पड़ेगा। तो सबसे पहला काम इंसुलिन करता क्या है, इनहेंस करता है सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, जिससे सेल क्या करेंगे, तेजी से ग्लूकोज लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। और इसी का फायदा क्या होगा, इसी का फायदा होगा कि ग्लूकोज कहां से कहां जाएगा, तो ग्लूकोज ब्लड से कहां चला जाएगा, या तो हिपेटोसाइट या तो किसमें, एडिपोसाइट। तो बताओ बढ़ेगा कि घटेगा, तो ब्लड में धीरे धीरे क्या करेगा, घटेगा। तो ग्लूकोज रैपिडली मूव करेगा कहां, फ्रॉम ब्लड टू, या तो क्या कहो हिपेटोसाइट, और या तो क्या कहो एडिपोसाइट। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा कि घटेगा, तो ब्लड में ग्लूकोज घटेगा, तो इसका रिजल्ट होगा डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज। अच्छा एक और काम करते हैं, यहां से यहां ग्लूकोज आ गया है तो ये सेल क्या करेगी, तो ये सेल इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लेगी ग्लाइकोजन में। तो ये दोनों काम, मतलब ये काम भी इंसुलिन का है और ये काम भी इंसुलिन का है। इंसुलिन का पहला काम है कि ब्लड से उठा के कहां पहुंचाओ, एडिपोसाइट या हिपेटोसाइट, और दूसरा काम है अंदर पहुंच के क्या करो, ग्लाइकोजन बनो। तो दूसरा काम क्या करेंगे, स्टीमुलेट ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाओगे तो क्या कहोगे, ग्लाइकोजेनेसिस, क्या कहेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस, स्टीमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस। और इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज टू क्या कहोगे, ग्लाइकोजन। बस इतना ही क्वेश्चन है इंसुलिन में, इंसुलिन ने क्या किया है, पर्टिकुलर ग्लूकोज की परमिएबिलिटी बढ़ा दी है और कहा है कि सेल ग्लूकोज को लें, तो जब सेल ग्लूकोज को लेंगी तो तेजी से ग्लूकोज यहां से चलेगा, सेल के अंदर जाएगा तो ब्लड में घटेगा। तो हम यही तो चाह रहे हैं कि ब्लड में घट जाए, अंदर लेके क्या करोगे, तो अंदर फिर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, ग्लाइकोजन में। तो दो ही काम कर रहे हैं, एक काम ये है एक काम ये है। यहाँ देखो लिखा है इनहेंस सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज रैपिडली मूव करेगा कहाँ से, ब्लड से, या तो हिपेटोसाइट या तो एडिपोसाइट, इससे ब्लड में ग्लूकोज घटेगा। तो हाइपर होगा कि हाइपो,
हाइपोग्लाइसीमिया होगा ना, और दूसरा काम क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे ग्लाइकोजेनेसिस, इसमें ग्लूकोज से क्या बना देंगे, ग्लाइकोजन, तो अंततः ब्लड में ग्लूकोज क्या करेगा, घट जाएगा। लिखो, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है कि क्या बताया है, सिर्फ इतना करना है कि रैपिडली ग्लूकोज को मूव कर देना है, कहाँ से, ब्लड से, या तो किसमें, हिपेटोसाइट या तो किसमें, एडिपोसाइट, तो अंततः क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज घट जाएगा। आगे बढ़ें, अगर ना लिखो तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अच्छा, आज पीडीएफ से काम चलाना, लिख लेना घर में, तो जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे। लिख लो, बैक करें, फंक्शन ऑफ ग्लूकागन, ग्लूकागन का फंक्शन देखो क्या है, तो ग्लूकागन का फंक्शन तो पहले से ही पता है कि क्या करता है, ये बढ़ा देता है क्या, ब्लड ग्लूकोज, लेकिन सवाल है कैसे बढ़ाओगे, ब्लड में अगर ग्लूकोज बढ़ाना चाहते हो तो कोई ना कोई तरीका होगा, तो देखो कैसे तरीका, इधर देखिए, मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल के अंदर ब्लड में क्या है, ग्लूकोज है, मानते हैं कि ये एडिपोसाइट नहीं, ये क्या है, हिपेटोसाइट, क्योंकि ग्लूकागन में लिखा है कि मेनली कहाँ काम करता है, आप फोटो खींच लीजिएगा, ठीक है, आप लोग ये मान लेते हैं हिपेटोसाइट है। तो देखिए होता क्या है, ग्लूकागन का सबसे पहला लक्ष्य ये रहता है कि किसी भी तरीके से सेल से कह दिया जाए कि ब्लड से ग्लूकोज ना लीजिए, अगर सेल ब्लड से ग्लूकोज कम ले तो ब्लड में बढ़ेगा कि घटेगा, तो सबसे पहले ये संदेश फैला दो कि सब लोग थोड़ा कम लें, क्योंकि ब्लड में कम हो रहा है, और अगर तेजी से लेते रहोगे तो फिर और कम हो जाएगा, तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बनाए रखने का तरीका है कि सेल से कहा जाए कि ग्लूकोज कम लें, तो सबसे पहले क्या करो, यहां से यहां जो ये ग्लूकोज जा रहा है इसको क्या करिए, इनहिबिट करिए, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनहिबिट सेलुलर अपटेक ऑफ क्या, ग्लूकोज, जबकि इंसुलिन क्या कर रहा था, इंसुलिन इसी को तो प्रमोट कर रहा था, इंसुलिन कह रहा था सेल जल्दी जल्दी लें, तो जब सेल जल्दी जल्दी लेंगे तो ब्लड में क्या करेगा, घटेगा, और ये कह रहा नहीं सेल जल्दी जल्दी ना लें, ये क्या कर रहा है, इनहिबिट, तो जब इनहिबिट करेंगे तो बताओ बढ़ेगा कि घटेगा, बताओ ब्लड में बढ़ेगा कि घटेगा,
तो ब्लड में बढ़ेगा, तो इसी का रिजल्ट होगा कि बढ़ जाएगा ब्लड ग्लूकोज। लेकिन और भी तरीका देखो, और तरीका देखो क्या है, अंदर जो ये ग्लूकोज है ये कहां से आता है, तो ये आता है ग्लाइकोजन से। भाई सेल से कह दोगे कि आप बाहर से नहीं लोगे तो सेल भूखी नहीं मर जाएगी, तो सेल की जिंदगी फिर कैसे चलेगी। तो सेल से कहा गया कि जो बचा के रखे हो उसको आज इस्तेमाल कर लो, और बचा के क्या रखे हैं, तो दूसरा काम है ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट कर दो, ग्लूकोज। तो स्टिमुलेट करेगा क्या, स्टिमुलेट ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज कहते क्या हो इसको है? क्या ग्लाइको जीनोलिसिस, एनसीईआरटी में लिखा है। फिर देखो सेल ने कहा नहीं हमारे पास ग्लाइकोजन नहीं है, हम भूख से मर जाएंगे क्योंकि आप बाहर से आने नहीं दे रहे हो, तो कहा ठीक है तो दूसरा तरीका निकालो। तो दूसरा तरीका क्या है, ग्लूकोज बना सकते हो कहां से, प्रोटीन और फैट से। और अगर प्रोटीन और फैट से ग्लूकोज बनाएंगे तो क्या कहोगे, ग्लूको नियोजेनेसिस। तो फिर स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि प्रोटीन और फैट से क्या बना दो, ग्लूकोज बना दो। तो अगर आप मोटा मोटा दिमाग में आपके रखना हो कि कौन सी काम कैसे हो रहा है, तो इंसुलिन की जिम्मेदारी है कि ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाओ कि घटाओ, घटाओ। तो घटाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अरे घटाने का सबसे अच्छा तरीका है कि ब्लड से तेजी से क्या करो, मूव कर दो सेल के अंदर। तो सभी सेल से कह दिया जाए फटाखट लेना शुरू करो, जब तेजी से लेंगे तो हिपेटोसाइट भी लेगा एडिपोसाइट भी लेगा, हिपेटोसाइट एडिपोसाइट जब लेंगे तो ब्लड में घटेगा। लेकिन लेने के बाद फिर करेंगे क्या, तो लेने के बाद एक ही विकल्प है, उसको किसमें कन्वर्ट कर दीजिए, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दीजिए, बात खत्म हो गई। लेकिन फिर समय बदला ब्लड में ग्लूकोज घटा पड़ा है, ब्लड में ग्लूकोज घटा है और घटने का डर है, तो ग्लूकागन से कहा गया कि ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाओ। तो उसने सबसे पहले लोगों से कहा कि लेना कम करिए, अगर इसी स्पीड से लेते रहे तो जितना घटा है उससे और घट जाएगा। तो सबसे बढ़िया क्या करें है, इनहिबिट कर देंगे क्या सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, इससे क्या होगा, कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही। और दूसरा फिर सेल कहेंगे हमारा काम कैसे चलेगा, तो कहा काम अपनी अपनी व्यवस्था देखो, अपनी व्यवस्था क्या है, आपके पास रखा होगा ग्लाइकोजन, तोड़ के बना लीजिए क्या ग्लूकोज, और थोड़ा बनाइए, और बनाने के बाद एक काम करिए इसको थोड़ा ब्लड में डाल दीजिए, थोड़ा बना के ब्लड में डाल दीजिए, जिससे कि ब्लड में ग्लूकोज क्या कर जाए, बढ़ जाए। कहा हमारे पास तो ग्लाइकोजन ही नहीं, तो कहा ये तो होगा, ये तो होगा, इसको तोड़ लीजिए, और इसको तोड़ के क्या बना लीजिए, इसको तोड़ के बना लीजिए ग्लूकोज, और बना करके थोड़ा ब्लड में डाल दीजिए, तो कहा ठीक है हो जाएगा। तो देखिए ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाने के दौरान कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाने के दौरान कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, तो तीन घटनाएं हो रही हैं। पहली घटना, इनहिबिट कर दिया गया किसको, सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। दूसरा दूसरा स्टिमुलेट कर दिया गया ग्लाइकोजिनोलिसिस, और तीसरा स्टिमुलेट कर दिया गया ग्लूकोनियोजेनेसिस। इससे फायदा क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा, और अगर घटाना होगा तो उल्टा कर दीजिए, घटाना होगा तो सिर्फ एक काम करिए, सेल से कहिए खूब धुआंधार तरीके से क्या लें, ग्लूकोज लें। तो जब खूब ढेर सारा ग्लूकोज लेंगे तो ब्लड में घटेगा नहीं, और लेकिन लेने के बाद सेल करेंगे क्या, तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो तीन शब्द हैं जरा आपको बताइए, एक शब्द है ग्लाइकोजेनेसिस, कौन स्टिमुलेट करेगा है? आराम से बताओ ग्लाइकोजेनेसिस कौन स्टिमुलेट करेगा, इंसुलिस, कोई दिक्कत नहीं। ग्लाइकोजिनोलिसिस कौन स्टिमुलेट करेगा, ग्लूकागन। और ग्लूकोनियोजेनेसिस कौन स्टिमुलेट करेगा,
फिर ग्लूकागन, कोई दिक्कत तो नहीं है। इंसुलिन और ग्लूकागन के कंपेयर में तीन शब्द हैं। इंसुलिन कहता है कि हम ग्लाइकोजेनेसिस करेंगे, और ग्लूकागन कहता है हम ग्लाइकोजिनोलिसिस करेंगे और ग्लूकोनियोजेनेसिस करेंगे। लेकिन सब लोग मिल के कर क्या रहे हैं? सब लोग मिल के एक ही काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ग्लूकोज होमियोस्टेसिस को क्या कर रहे हैं? मेंटेन कर रहे हैं। कौन कर रहा है? तो दोनों लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या? इंसुलिन भी और ग्लूकागन भी। तो ग्लूकोज होमियोस्टेसिस ज्वाइंटली मेंटेन बाई, आंसर क्या देंगे? इंसुलिन एंड ग्लूकागन। आखिरी में दो लाइनें और बची हैं। डायबिटिक मेलिटस, ये देखो कौन सी चीज है। तो पहले तो क्वेश्चन रटने वाले आप रट लेंगे। ऐसी कोई भी कंडीशन जिससे हमारे ब्लड में ग्लूकोज बढ़े उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। जैसे मान लेते हैं अभी कोई इमरजेंसी आ जाए, तो जैसे इमरजेंसी आएगी वैसे एड्रेनिन निकलेगा, वैसे पूरा सिस्टम ऑन हो जाएगा और हमारे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा। लेकिन अभी ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा, 10-5 मिनट बाद फिर से क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि आज आपके ब्लड में ग्लूकोज नापा जाए, आज आपके ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा मिले, और कल नापा जाए तो भी ज़्यादा मिले, 10 दिन बाद नापा जाए तो भी ज़्यादा मिले, महीना भर बाद नापा जाए तब भी ज़्यादा मिले। तो जब कभी लगातार ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो इसको कहते हैं प्रोलांग हाइपरग्लाइसीमिया। तो एनसीईआरटी में लिखा है ये क्या है, तो कहोगे ये है क्या है? प्रोलांग हाइपरग्लाइसीमिया है। बहुत दिनों तक आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई है, कह सकते हैं हाई ब्लड शुगर, ये हाई ब्लड शुगर है। दूसरा क्वेश्चन क्यों है? ड्यू टू, तो इसका कारण क्या होता है? तो आंसर दीजिएगा हाइपो इंसुलिन। इंसुलिन का सिक्रीशन ही कम हो रहा है, और इंसुलिन कम क्यों है उसका भी तो कोई ना कोई कारण होगा। तो डिफेक्ट है ड्यू टू डिफेक्ट इन किसमें? अल्फा सेल की बीटा, बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज की बीटा सेल में डिफेक्ट होने के नाते इंसुलिन हाइपो हो गया है, इसी को कहते हैं प्रोलांग हाइपो हाइपरग्लाइसीमिया। तो ब्लड में शुगर ज्यादा है लेकिन इंसुलिन क्या है? कम है, क्योंकि डिफेक्ट किसमें है? बीटा सेल में है। एक क्वेश्चन तो ये है, चलिए हो गया। अब आता है सिम्पटम। क्या क्या सिम्पटम होंगे? तो सिम्पटम एक तो यही होगा, हाई ब्लड शुगर होगा। लेकिन जब ब्लड में शुगर ज्यादा होता है तो शुगर यूरिन में पास होने लगता है, और अगर शुगर यूरिन में पास हुआ तो क्या कहोगे? ग्लाइको सूर्या। तो पहला सिम्टम क्या आएगा? इसका मतलब है ग्लूकोज पास किसमें? यूरिन। दूसरा पहले से ही पता है। अच्छा रुक जाओ, अभी आपके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है कि कम इस बीमारी में? इस बीमारी में ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है, बताओ सेल को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सेल को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सेल को नहीं मिलेगा, जानते हो क्यों? ब्लड से ग्लूकोज सेल में जाए ये जिम्मेदारी इंसुलिन की है, और इंसुलिन ही क्या है? कम है। तो जब इंसुलिन कम है तो ब्लड से सेल में जा नहीं रहा होगा, और अगर ब्लड सेल से सेल में जा नहीं रहा होगा तो फिर क्या होगा? तो क्या होगा? तो फिर ब्लड में बढ़ने लगेगा। तो ये ब्लड में बढ़ा तो है लेकिन सेल को प्रॉपर मिल नहीं रहा, तो सेल को भूख नहीं लगी होगी, और सेल को भूख लगी होगी सेल को एनर्जी चाहिए, तो सेल को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो सेल को एनर्जी मिलने के लिए जानते हो क्या करते हैं? फैट का ऑक्सीडेशन करते हैं,
और जब फैट का ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनेंगी कीटोन बॉडी। क्या बनेंगी? कीटोन बॉडी। और कहाँ पास होंगी? यूरिन में। तो कीटोन यूरिया का मतलब है कीटोन बॉडी पास इन, कहाँ? यूरिन। और ये बनी क्यों है? कीटोन बॉडी प्रोड्यूस बाई फैट ऑक्सीडेशन। देखिए, सेल को ग्लूकोज मिल नहीं रहा था, जिंदगी चलानी है तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए क्या करेंगे? फैट। और जैसे ही फैट का ऑक्सीडेशन करने लगेंगे वैसे ही क्या बनने लगेंगे? कीटोन बॉडी। कहाँ पास होंगी? यूरिन में। नाम क्या होगा? कीटोन यूरिया। दूसरा, तीसरा देखो, सेल ग्लूकोज नहीं पा रही है तो हाइपोथैलमस को भी सिग्नल होगा कि भूख लगाओ। इसी नाते डायबिटीज वालों को भूख ज्यादा लगती है, तो भूख ज्यादा लगने को कहते हैं पॉलीफेजिया। और देखो, ग्लूकोज कहाँ पास होगा? यूरिन में। कीटोन बॉडी कहाँ पास होगी? यूरिन में। तो यूरिन की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ने लगी, और यूरिन की कंसंट्रेशन अगर बढ़ने लगेगी तो फिर उसके लिए पानी बढ़ाना पड़ेगा, तो ज्यादा पानी किस में पास हो जाएगा? यूरिन में। तो जब ज्यादा पानी पास हो जाएगा तो बताओ शरीर में कम पड़ेगा कि ज्यादा? कम पड़ेगा। तो प्यास ज्यादा लगेगी कम? ज्यादा लगेगी। इसी नाते हो जाता है पाली डिप्सिया। पालीफेजिया का मतलब होता है एक्सेस हंगर, भूख ज्यादा लगेगी, जबकि इसमें एक्सेस प्यास ज्यादा लगेगी, एक्सेस थ्रस्ट। तो देखो, इतने सारे सिम्टम होंगे और साथ में क्या होगा? साथ में होगा हाई ब्लड शुगर। तो इलाज क्या होगा? इलाज क्या होगा बेटा? क्या इलाज है? ट्रीटमेंट तो एक ही है कि बाहर से इंसुलिन लो। ट्रीटमेंट क्या है? बाहर से इंसुलिन लो। तो इसको कहते हैं इंसुलिन थेरेपी। क्या कहते हैं? इंसुलिन थेरेपी। तो इंसुलिन थेरेपी किसके लिए होती है? तो आंसर क्या देंगे? डायबिटीज मेलिटस वालों के लिए होती है। बस इतने हैं क्वेश्चन इसमें, लिख लो। चल लिख लो। तो पूरी कहानी फिर से सुन लेते हैं, क्योंकि इंसुलिन और ग्लूकागन से क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, ग्लूकागन एक पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन हिपेटोसाइट एडिपोसाइट पर मेनली काम करता है, ग्लूकागन हिपेटोसाइट पर मेनली काम करता है। इंसुलिन और ग्लूकागन दोनों मिल करके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं, जिसको हम ग्लूकोज होमियोस्टेसिस कहते हैं। करते कैसे हैं? तो इंसुलिन का काम है ब्लड में ग्लूकोज घटाओ, और ग्लूकागन का काम है ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाओ। इसी नाते इंसुलिन को हाइपोग्लाइसेमिक कहते हैं और ग्लूकागन को हाइपरग्लाइसेमिक कहते हैं। एक हाइपोग्लाइसीमिया करेगा और एक हाइपरग्लाइसीमिया करेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन। अगला सवाल है, कैसे करेंगे? तो इंसुलिन का सिर्फ एक काम है, सेल से कहो तेजी से ग्लूकोज ले, तो ब्लड में ग्लूकोज घटा। लेकिन लेने के बाद वो क्या करेगी? उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करे। अब ग्लूकागन क्या कहता है? सेल से कहता है ग्लूकोज कम लो, तो जब कम लेंगे तो ब्लड में क्या करेगा? बढ़ेगा। तो सेल कहेगी फिर काम कैसे चलेगा? तो कहा ग्लाइकोजन तोड़ लो। कहा है नहीं, तो कहा प्रोटीन तोड़ लो, फैट तोड़ लो, लेकिन ग्लूकोज बना लेना और मांगने ना आना। कहाँ से? ब्लड से। तो जब ब्लड से नहीं लेंगे तो ब्लड में बढ़ेगा ना, तो ब्लड में बढ़ाने के तरीके अलग हैं और घटाने के तरीके अलग हैं। फिर एक आदमी ऐसा है जिसके पैंक्रियाज के बीटा सेल में गड़बड़ी हो गई और इंसुलिन कम निकलने लगा। तो जब इंसुलिन कम निकलेगा तो इंसुलिन का काम है ब्लड में ग्लूकोज घटाना, तो घटाने वाला ही घट गया है।
तो ब्लड में ग्लूकोज घटेगा नहीं, क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर ग्लूकोज बढ़ गया, हाई ब्लड शुगर हो गई और ये लगातार बनी रही, तो इसको कहते हैं प्रोलांग हाइपर ग्लाइसीमिया। और प्रोलांग हाइपर ग्लाइसीमिया का मतलब है डायबिटीज मेलिटस। कारण क्या है, इंसुलिन है कम। कारण क्या है, डिफेक्ट है बीटा सेल। फिर सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे। सिम्टम में एक तो शुगर बढ़ जाएगा, एक सिम्टम तो यही होगा, और दूसरा सिम्टम ये होगा कि ग्लूकोज कहाँ पास होगा, यूरिन में, और कीटोन बॉडी कहाँ पास होगी, यूरिन में। तो ग्लाइकोसूरिया और कीटोनूरिया होगी, साथ में भूख ज़्यादा लगेगी, प्यास ज़्यादा लगेगी। अगर ये बीमारी ठीक नहीं की गई, वैसे परमानेंट तो ठीक होती नहीं है, इंसुलिन थेरेपी अगर नहीं ली गई, मैनेजमेंट नहीं किया गया, तो ब्लड में शुगर बहुत दिनों तक बढ़ा रहेगा। तो जानते हो क्या होगा, ये बढ़ा हुआ जो ब्लड शुगर है, ये वाइटल आर्गन में डिपॉजिट होता है। देखो, ये किडनी में डिपॉजिट हो जाएगा और किडनी फेल करेगा, ये ब्रेन में डिपॉजिट हो जाएगा तो ब्रेन खराब कर देगा, ये ब्लड वेसल में डिपॉजिट हो जाएगा तो ये रेटिना में, आँख की रेटिना में डिपॉजिट हो जाएगा और रोशनी चली जाएगी। तो जो डायबिटीज के व्यक्ति होते हैं, अगर वो ध्यान नहीं देंगे, तो आने वाले वक्त में किडनी खराब होगी, हार्ट खराब होगा, ब्रेन खराब होगा, लिवर खराब होगा, सारे आर्गन धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, धुंधली हो जाएगी रोशनी, क्योंकि रेटिना भी डैमेज होती है, जेनाइटल आर्गन भी डैमेज हो जाते हैं। तो ये अंदर अंदर सारे आर्गन खराब कर देगी, कौन सी, डायबिटीज मेलिटस। अब एनसीईआरटी खोलो, चलो पूरा पैंक्रियाज हम लोग पढ़ लेते हैं। कैसे लिखा है, पहले से ही पता है पैंक्रियाज क्या है, कंपोजिट ग्लैंड है, कैसे काम करती है, एक्सोक्राइन, और कैसे काम करती है, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन पैंक्रियाज में क्या पाया जाता है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, कितने, 1 to 2 मिलियन। ये नॉर्मल ह्यूमन पैंक्रियाज, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, 1 to 2% ऑफ पैंक्रियाटिक टिश्यू। दो मेन टाइप की सेल हैं, किसमें, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में, नाम क्या है, अल्फा सेल, और क्या, बीटा सेल। अल्फा सेल क्या निकालेगी, ग्लूकागान, और बीटा सेल क्या निकालेगी, इंसुलिन। ग्लूकागान क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है, इसका इम्पॉर्टेंट रोल है किसमें, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज। कैसे, ग्लूकागान एक्ट मेनली ऑन कहाँ, लिवर सेल, मतलब हिपेटोसाइट, और स्टिमुलेट क्या करेगा, देखो क्या लिखा है, ग्लाइकोजिनोलिसिस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ग्लाइकोजन तोड़ दीजिए, और अगर ग्लाइकोजन तोड़ोगे तो ग्लूकोज बनेगा, तो ग्लाइकोजन तोड़ोगे ग्लूकोज बनेगा तो ब्लड में शुगर बढ़ जाएगा, कहोगे क्या, हाइपरग्लाइसीमिया। साथ में ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है किसको, प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेंसिस। अब जब ग्लूकोनियोजेंसिस करोगे तो प्रोटीन और फैट से ग्लूकोज बनेगा, और प्रोटीन और फैट से बनेगा तो भी ब्लड में बढ़ेगा, तो फिर से क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया। फिर ग्लूकागान घटा देता है, क्या क्या घटा देता है, ग्लूकोज अपटेक एंड क्या, यूटिलाइजेशन। अब जब ग्लूकोज लेंगे नहीं, इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ब्लड में बढ़ेगा नहीं, बढ़ जाएगा, तो फिर से क्या कहोगे, आई पर। तो जरा बताओ, ग्लूकोज क्या क्या, ग्लूकागान क्या क्या स्टिमुलेट करता है और क्या क्या रिड्यूस करता है, स्टिमुलेट बताओ, स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजिनोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, और रिड्यूस क्या करता है, सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, खत्म। आगे देखते हैं, फिर लिखा है इंसुलिन भी क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसका मेजर रोल है किसमें, ग्लूकोज होमियोस्टेसिस
होम्योस्टेसिस में इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन कहाँ और कहाँ, एडिपोसाइट। एडिपोसाइट क्या है? एडिपोस टिश्यू की सेल है। क्या करेगा? इनहाइंस करेगा क्या? सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड क्या यूटिलाइजेशन। अब जब सेल तेजी से लेंगी तो क्या फायदा होगा? देखो लिखा है रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हिपेटोसाइट या कहाँ एडिपोसाइट। फायदा क्या होगा? घट जाएगा क्या ब्लड का ग्लूकोज लेवल, और कहोगे क्या हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन आल्सो स्टीमुलेट क्या कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, मतलब ग्लाइकोजेनेसिस इन द टारगेट सेल। इसका मतलब है कि ग्लूकोज होमियोस्टेसिस इन ब्लड मेंटेन क्या लिखा है ज्वाइंटली किसके द्वारा, इंसुलिन और किसके द्वारा ग्लूकागन। ठीक है, देखो लिखा है प्रोलांग हाइपर ग्लाइसीमिया से कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर नाम डायबिटीज मेलिटस एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ ग्लूकोज कहाँ यूरिन, और फॉर्मेशन किसका कीटोन बॉडी। डायबिटीज पेशेंट को सक्सेसफुली ट्रीट करते हैं किसके द्वारा, इंसुलिन थेरेपी। एक पॉइंट छूट गया वही बढ़ा लीजिए। इंसुलिन एंड ग्लूकागन वैसे तो मिल के काम करते हैं लेकिन दोनों पक्के विरोधी हैं। एंटागोनिस्टिक हार्मोन क्या है? एंटागोनिस्टिक, क्योंकि ये क्या है हाइपर ग्लाइसिमिक और ये क्या है ग्लाइसेमिक। बढ़ा लीजिए। अगली हेडिंग टेस्टिस, हेडिंग डाले टेस्टिस। देखिए क्या है, अभी लिखेंगे नहीं सुनेंगे केवल। पहला सवाल है कि वन पेयर टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड एब्डोमेन, ये एब्डोमेन है
और एब्डामिन के बाहर ये पाउच है जिसको बोलते हैं स्क्रॉटम, और इसी में रखे हैं टेस्टिस। पहला सवाल तो यही है कि टेस्टिस कहाँ लोकेटेड हैं, तो आंसर देंगे आउटसाइड एब्डोमेन, लोकेटेड आउटसाइड एब्डोमेन इन पाउच, और उसका नाम क्या है, स्क्रॉटम है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा सवाल देखिए क्या है, टेस्टिस के ड्यूअल फंक्शन है। ड्यूअल फंक्शन ये है कि टेस्टिस जेनाइटल ऑर्गन है और यहां स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। टेस्टिस प्राइमरली सेक्स ऑर्गन की तरीके से ही काम करता है। ये टेस्टिस का प्राइमरी फंक्शन है। टेस्टिस का प्राइमरी फंक्शन है कि वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरीके से काम करे और अपना क्या बनाए, स्पर्म का फॉर्मेशन करे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चूंकि यहां क्या लिखा है, इसका ड्यूअल फंक्शन है, तो ये काम करता है एज एंडोक्राइन, ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरीके से भी काम करता है, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है क्या, तो आंसर देंगे हार्मोन। कौन सा, तो आंसर देंगे एंड्रोजेन, ना मिले तो टेस्टोस्टेरॉन, ना मिले तो टेस्टोस्टेरॉन। एंड्रोजेन या टेस्टोस्टेरॉन भी निकालता है, इसी नाते इसको एंडोक्राइन भी कहते हैं और इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं। एक सवाल आया है, निम्नलिखित में से, अभी हमसे कोई पूछ रहा था, निम्नलिखित में से कौन है जो सिर्फ एंडोक्राइन है, ये आया हुआ सवाल है। उसमें दो दो नाम दिए थे, तो एक में टेस्टिस दिया था, क्या सिर्फ एंडोक्राइन है, नहीं जेनाइटल है। एक में ओरी दिया था, क्या सिर्फ एंडोक्राइन है, नहीं। एक में पैंक्रियाज दिया था, क्या सिर्फ एंडोक्राइन है, नहीं। आया हुआ सवाल AIPMT का ही है, पेयर में वहां दो दो नाम लिखे थे, तो ऐसा पूछ रहा था कि इसमें से सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड ही हो, तो सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड है, ऐसा नहीं है, ये एंडोक्राइन है लेकिन सेक्स आर्गन भी है। अभी लिखो नहीं, सुनो केवल, अभी लिख लेना ठीक है, अभी सुनो। अगर टेस्टिस को अंदर से देखेंगे तो अंदर की स्थिति ये है, अंदर की स्थिति ये है कि टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं, जैसे एक कंपार्टमेंट ये हो गया, एक कंपार्टमेंट ये हो गया, एक कंपार्टमेंट ये हो गया, और एक कंपार्टमेंट ये हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 कंपार्टमेंट हो गए। इसके और अंदर ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर पतली पतली अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर पतली पतली, बेटा बातचीत ना करें, इसके अंदर पतली पतली ट्यूब्यूल पाई जाती हैं। जिनका नाम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और जिनका काम है
स्पर्मेटो जेनेसिस, स्पर्म बनाने की जिम्मेदारी इन्हीं की है, लेकिन ये ऐसे स्पर्म बनाएंगे नहीं, इनसे कोई कहेगा तभी बनाएंगे। तो है क्या, दो सेमिनिफेरस टिब्यूल के बीच की जो जगह ये दिखाई पड़ रही है, सेमिनिफेरस टिब्यूल के बीच की जो जगह दिखाई पड़ रही है, इस जगह में कुछ स्पेशल सेल पाई जाती है। जो कुछ स्पेशल सेल पाई जाती हैं, इन स्पेशल सेल का नाम इंटरस्टीशियल सेल, इन या तो इनको लिडिक सेल कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं, तो देखो कहाँ पर हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल के बीच की जगह में, और ये बीच की जगह को कहते हैं इंटर टिब्यूलर स्पेस। क्या कहते हैं, इंटर टिब्यूलर स्पेस, एनसीआरटी में लिखा है, क्योंकि यहाँ जो टिश्यू भरा है, ये जो व्हाइट कलर का टिश्यू यहाँ भरा है, इसको कहते हैं इंटरस्टीशियल टिश्यू। तो इंटरस्टीशियल टिश्यू में एक स्पेशल सेल है जिनका नाम इंटरस्टीशियल सेल है या लिडिक सेल है, और यहीं से प्रोड्यूस होता है स्टीरॉयड हार्मोन, जिसको कहते हैं एंड्रोजन, या मेनली क्या कहोगे, मेनली कहोगे टेस्टोस्टेरॉन। इसको टेस्टिकुलर हार्मोन भी कहते हैं। और ये एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन ही किस पे काम करेगा, सेमिनिफेरस टिब्यूल पर, और तभी क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है, आंसर देंगे एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन। कहाँ से निकलता है, इंटरस्टीशियल सेल या लिडिक सेल, ये कहाँ पाई जाती हैं, इंटरटिब्यूलर स्पेस, या क्या कहोगे इंटरस्टीशियल टिश्यू, ये क्या है टेस्टिस, और ये है एपिडिडाइमिस। चलो पहले ये लिख लो, ठीक है, फिर वो लिख लेना, या फोटो खींच लो, पीडीएफ। चलो ठीक है, फिर हमको क्या है, बात समझ में आ गई है, आगे बढ़े। चलिए अभी आखिरी में एक साथ खींच लीजिएगा, है ना, सब फिर से, फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टीरॉन। टेस्टोस्टीरॉन का क्या फंक्शन है, तो फंक्शन को रटेंगे तो याद नहीं रहेंगे, तो कुछ सिस्टम आप समझ लीजिए क्या है। किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में तीन चीजें पाई जाती हैं। देखो क्या होता है, एक होता है प्राइमरी सेक्स आर्गन, एक होता है एसेसरी सेक्स आर्गन, और एक होता है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। तीन चीजें होती हैं, ये मेल में भी होते हैं, फीमेल में भी होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। ऐसा कोई भी आर्गन जो गैमीट बनाता है, जैसे मेल में स्पर्म बनाना है और फीमेल में ओवम बनाना है, ऐसा कोई भी आर्गन जो गैमीट बनाए, उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स आर्गन। तो प्राइमरी सेक्स आर्गन अगर हम मेल में पूछेंगे तो क्या होगा, टेस्टिस, और फीमेल में पूछेंगे तो ओवरी हो जाएगा। तो मेल में भी प्राइमरी होता है, फीमेल में भी प्राइमरी होता है। मेल में प्राइमरी सेक्स आर्गन का नाम टेस्टिस, और फीमेल में प्राइमरी सेक्स आर्गन का नाम ओवरी होता है। अब आगे बढ़ते हैं,
ऐसा ऐसा कोई भी ऑर्गन, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कोई भी ऑर्गन, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो गैमीट को स्टोर करे, गैमीट को मैच्योर करे और गैमीट को ट्रांसपोर्ट करे। गैमीट के स्टोरेज, गैमीट के मैच्योरेशन और गैमीट के ट्रांसपोर्ट में जितने लोग इन्वॉल्व होंगे उन सब को कहा जाता है क्या? एसेसरी सेक्स ऑर्गन। जैसे टेस्टिस को छोड़ के, मोटा मोटा अगर याद रखें, हैं तो बहुत सारे, लेकिन कम से कम जैसे एपिडिडाइमिस, जैसे वास डिफरेंस, जैसे सेमाइनल वेसाइकिल, जैसे प्रोस्टेट, ग्लैंड, जैसे यूरिथ्रा, ईटीसी लिख देते हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो टेस्टिस से बनने वाले स्पर्म को स्टोर करे, मैच्योर करे, ट्रांसपोर्ट करे, में इन्वॉल्व हो जाए, उसका नाम क्या रखोगे? एसेसरी सेक्स ऑर्गन। और फिर आता है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, करेक्टर है। अच्छा, फीमेल में अगर पूछे तो फीमेल में सेकेंडरी या एसेसरी कौन से होंगे? तो फीमेल में देखो, ओवरी को छोड़ के जितना कुछ है, जैसे ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, जैसे यूट्रस, जैसे सर्विक्स, जैसे वेजाइना, ये सब किस में आएंगे? ये सब एसेसरी में आएंगे। तो मेल में भी प्राइमरी, फीमेल में भी प्राइमरी, मेल में भी एसेसरी, फीमेल में भी एसेसरी। इसी तरीके से सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर क्या है? ऐसा कोई भी करेक्टर जो एपियर हो, कब? एट प्यूबर्टी, जो प्यूबर्टी पर मेल और फीमेल में आए उसको हम सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर कहते हैं। अब जैसे, तो जरा मेल के, सिर्फ चूंकि मेल का पढ़ रहे हैं, तो मेल में कौन कौन से बदलाव आते हैं? तो मेल में कई बदलाव आते हैं। तो सबसे पहले दाढ़ी मूछें निकलने लगती हैं, कितने लड़का जवान हो रहा है, तो एपियरेंस होता है क्या? फेसियल हेयर, प्यूबिक हेयर, एक्जिलरी हेयर, ये अपियरेंस हो जाते हैं। और देखो क्या होता है, मेल की आवाज बदल जाती है, लिखो नहीं सुन लो, मेल की आवाज बदल जाती है। मेल और फीमेल का जन्म होता है, और जन्म से लेकर के 10-11 साल तक की एज तक मेल और फीमेल में ज्यादा आवाज में अंतर होता नहीं है, दोनों लगभग लगभग जैसे होते हैं। लेकिन जैसे ही 11-12 साल की एज होती है, मेल की आवाज थोड़ी भारी हो जाती है, तो उसकी जो भारी आवाज होती है उसको कहते हैं लो पिच साउंड। तो साउंड कौन सी हो जाएगी? लो पिच साउंड हो जाएगा। और देखो क्या होगा, इस समय बच्चे किस क्लास में होंगे लगभग लगभग? अरे अगर 10-11 साल के हैं तो कक्षा 8 के आसपास होंगे, ठीक है। अच्छा, ज्यादा हो गए, 6-7 साल, 6 साल, मतलब किस क्लास में होंगे? अरे 6-3-9, 6-4-10, है ना, क्लास 6 में तो होंगे ही। यही वो उम्र है जब मारपीट करना शुरू कर देते हैं। तो स्कूलों में जो मार शुरू होता है वो कक्षा 6 से शुरू होता है और कक्षा 12 तक चलता है। 6 साल ये गोल्डन पीरियड है मारपीट करने का। तो मारपीट जानते हो कहाँ से होती? इसी हार्मोन के चक्कर में हो रही है, एग्रेसिवनेस। मेल का जो एग्रेसिवनेस है वो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है, तो एग्रेसिवनेस आ जाएगा, ठीक है। और देखो, डोले सोले बनाने लगेंगे, या सलमान खान को देख लिया तो ट्राइसेप्स बाइसेप्स पता नहीं कौन कौन बनाने शुरू कर देंगे। मस्कुलर क्या होगी? मस्कुलर ग्रोथ होगा, तो मसल की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो ग्रोथ जिंदगी में 2 बार अच्छे से होती है, जन्म के बाद 1 बार ग्रोथ बढ़िया होती है
फिर एक बार जब ये सब काम शुरू होते हैं प्यूबर्टी वाले, तो फिर से ग्रोथ होती है, क्योंकि फिर से क्या होगी, मस्कुलर ग्रोथ होगी, तो मस्कुलर ग्रोथ हो जाएगी। और देखो, और आ जाएगा मेल सेक्सुअल बिहेवियर। मेल सेक्सुअल बिहेवियर को कहते हैं लिबिडो। लिबिडो क्यों आता है? लिबिडो आता है लिम्बिक सिस्टम से, याद है? और लिम्बिक सिस्टम किसका पार्ट है? सीएनएस का। तो ये जो एंड्रोजेन है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लिम्बिक सिस्टम को प्रभावित करके क्या चेंज कर देता है? मेल सेक्सुअल बिहेवियर। मेल में मेल सेक्सुअल बिहेवियर है और फीमेल में फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर है। मेल सेक्सुअल बिहेवियर के पीछे जिम्मेदार एंड्रोजन है, जबकि फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर के पीछे जिम्मेदार एस्ट्रोजन है। तो भी आगे एस्ट्रोजन पढ़ेंगे, बिल्कुल सब कुछ। तो देखिए क्या क्या होने वाला है। किसी बच्चे का जन्म होता है मेल का, उसमें क्या क्या होगा? तो उसमें टेस्टिस होंगे, उसमें टेस्टिस के साथ एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेस्किल, प्रोस्टेट, यूरिथ्रा, पेनिस, सब कुछ होगा। लेकिन ना तो टेस्टिस फंक्शनल होगा और ना ही ये सारे आर्गन फंक्शनल होंगे। तो देखिए होता क्या है, जन्म के बाद ये टेस्टोस्टिरान कब निकलेगा? ये टेस्टोस्टिरान कब निकलेगा? टेस्टोस्टिरान का सिक्रीशन कब शुरू होगा? बताओ भाई, टेस्टोस्टिरान का तो सिक्रीशन तब शुरू होगा जब आके एलएच यहां काम करेगा, याद आया? और एलएच तो तब काम करेगा जब जीएनआरएच आएगा, और जीएनआरएच कहां से आएगा? कहां से आएगा? हाइपोथैलेमस। देखो हुआ क्या है, जन्म होने के बाद 11 12 13 साल की एज तक हाइपोथैलेमस से क्या नहीं निकला? जीएनआरएच। तो क्या नहीं निकला? एलएच। तो क्या नहीं निकला? इसी नाते अभी तक कुछ काम नहीं हो रहा था। अब देखो क्या होगा, जैसे ही एंड्रोजन आएगा ये सारे काम कराएगा। तो देखो कौन कौन से काम कराएगा। सबसे पहले निकलते ही टेस्टिस को फंक्शनल बनाएगा। टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है, उनसे कहेंगे अब स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू कर दीजिए। तो ये स्टिमुलेट करेगा किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि टेस्टिस पर क्या होनी है? क्या कर देंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू कर देंगे। और बगल में ही इनको भी सूचना दे देंगे कि देखो वहां स्पर्म बनना शुरू हो गए हैं, तो आप सब लोग तैयार हो जाओ। काहे के लिए? स्टोर करने के लिए, मेच्योर करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो सब लोग तैयार हो गए। कौन कौन से? एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेस्किल, प्रोस्टेट, यूरिथ्रा, इन सब की एक्टिविटी, इन सारी चीजों को एक्टिव करना, इनको मेच्योर करना, इनको डेवलप कराना। किसी मेल बच्चे का जब जन्म होता है उसमें टेस्टिस भी होता है, उसमें एपिडिडाइमिस, यूरिथ्रा, सेमिनल, प्रोस्टेट सब होते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा होता है। इन सब का डेवलपमेंट, इन सब का मेचुरेशन और इन सब की फंक्शनिंग कौन करवाएगा? तो आंसर क्या देंगे? एंड्रोजन। तो एंड्रोजन का दूसरा काम बताओ क्या है? एंड्रोजन का दूसरा काम है डेवलपमेंट कराओ, मेचुरेशन कराओ, फंक्शनिंग कराओ। किसकी? एसेसरी सेक्स आर्गन। कौन से? तो लिस्ट लिखी सामने, बताओ कौन कौन से। एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेस्किल, प्रोस्टेट, ईटीसी, दुनिया भर के लोग हैं, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, चूंकि एज हो चुकी है 11 13 साल की, तो उसी समय क्या एपियर होने हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो एंड्रोजन निकल के ये काम भी कराएगा कि दुनिया भी तो जाने कि क्या हो गया है, सेक्सुअल मेच्योरिटी आ चुकी है। तो सेक्सुअल मेच्योरिटी आ चुकी, ये पता कैसे चलेगा? तो पता कैसे चलेगा? रोज मारपीट करके आएंगे स्कूल से, तो रोज मारपीट करके आएंगे, एग्रेसिव बिहेवियर हो जाएगा, मस्कुलर ग्रोथ होने लगेगी, आवाज क्या हो जाएगी? लो पिच हो जाएगी। और अपीयरेंस किसका? फेसियल हेयर, प्यूबिक हेयर, और क्या है? एक्सिलरी हेयर। साथ में मेल सेक्सुअल बिहेवियर, मेल का फीमेल की तरफ जो अट्रैक्शन है वो इसी में आता है, मेल सेक्सुअल बिहेवियर में। तो ये सब शुरू कौन करवाएगा? यही एंड्रोजन। तो निकल के इसको तीन टारगेट दिए गए हैं। पहला
सबसे पहले तो टेस्टिस पे क्या शुरू कराओ, स्पर्मेटोजेनेसिस, और बगल वालों से क्या कह दो कि तैयार हो जाएं, काहे के लिए, स्टोर करने के लिए, मेच्योर करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और एपियर करा दो क्या सेकेंडरी करेक्टर। एक और क्वेश्चन है केवल, एंड्रोजेन का एनाबोलिक इफेक्ट है किस पर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ध्यान से सुने, प्यूबर्टी की एज पर मेल में प्रोटीन ज्यादा बनेगी, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा बनेगा, और प्यूबर्टी की एज पर फीमेल में फैट ज्यादा बनती है। तो मेल में एनाबोलिक, एनाबोलिक का मतलब, एनाबोलिक का मतलब होता है बनाना, और कैटाबोलिक का मतलब तोड़ना। तो क्या क्या ज्यादा बनेगा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा बनेंगे अगर अभी फीमेल पढ़ने लगे तो। यहां लिखेंगे एनाबोलिक इफेक्ट ऑन फैट सिंथेसिस, फीमेल में फैट ज्यादा बनती है और मेल में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो टेस्टोस्टेरॉन के काम रटेंगे नहीं, दिमाग में रखेंगे। अगर टेस्टोस्टेरॉन के काम याद हैं तो एस्ट्रोजन के अपने आप याद हैं। यही सारे काम एस्ट्रोजन के हैं, बस नाम बदलना पड़ेगा, तो काम बदलते रहेंगे धीरे धीरे। जैसे टेस्टिस की जगह क्या लिखेंगे, ओरी लिखेंगे, और फीमेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन में यूट्रस सर्विक्स वेजाइना लिखेंगे, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर कुछ और लिखेंगे। तो तीन काम है, पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से कहो गैमीट बनाए, दूसरा एसेसरी सेक्स ऑर्गन को मेच्योर करो, डेवलप करो, और तीसरा क्या है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर अपीयर कराओ। उसी के साथ क्या करेंगे, एनाबोलिक इफेक्ट किसका, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, पढ़ो एनसीईआरटी से पूरा।
आगे बढ़ें। कहाँ गया यार? चलो देखो टेस्टिस में क्या क्या लिखा है। लिखा है वन पेयर टेस्टिस प्रेजेंट इन स्क्रॉटल सैक, कहाँ है? आउटसाइड एब्डोमेन ऑफ मेल। टेस्टिस परफॉर्म डुअल फंक्शन, कैसे काम करता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और कैसे काम करता है? टेस्टिस में पाया जाता है क्या और क्या? इंटरस्टिशियल टिश्यू, जो लिडिक सेल है या इंटरस्टिशियल सेल, कहाँ प्रेजेंट है? ये देखो क्या लिखा है, इंटरटिब्यूलर स्पेस प्रोड्यूस ग्रुप ऑफ हार्मोन। नाम क्या है? मेन कौन सा है? मेन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। देखो अब लिखा चाहे जिस क्रम में हो, लेकिन जो बातें मैंने बताई वही लिखी हैं। लिखा है रेगुलेट डेवलपमेंट कामा मेचुरेशन कामा किसका? मेल एसेसरी सेक्स आर्गन। अब नाम चाहे जितने हो, जैसे एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिथ्रा, ईटीसी भी लिखा है। ठीक, फिर देखो लिखा है दीज हार्मोन स्टिमुलेट क्या? मस्कुलर ग्रोथ, और क्या? फेसियल लाइन, और क्या? एग्रेसिवनेस, और क्या? लो पिच वॉइस। फिर ईटीसी लिखा है एंड्रोजन प्ले स्टीमुलेटरी रोल इन प्रोसेस ऑफ। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो ये होना चाहिए था। ठीक है, फिर फॉर्मेशन क्या कहोगे इसको? स्पर्मेटोजोआ। एंड्रोजन एक्ट ऑन सीएनएस पे काम करता है कि पीएनएस पे? सीएनएस पे। और इन्फ्लुएंस करता है क्या? मेल सेक्सुअल बिहेवियर या क्या? लिबिडो। दीज हार्मोन प्रोड्यूस या क्या? इफेक्ट ऑन क्या, और क्या? हाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। एक नीचे लाइन जगह खाली है ना, एक लाइन समरी में लिखी है, वो बढ़ा लो यहां। समरी में क्या लिखा है? तो देखो समरी में क्या लिखा है, समरी में ये देखो लिखा है टेस्टिस सिक्रीट एंड्रोजन, विच लिखा है ना, और विच के बाद जितनी कहानी लिखी है उसके आखिरी में एक बात ये लिखी है। क्या लिखा है? इरिथ्रोपोइसिस। बाकी सब तो वही लिखा है ना, स्टिमुलेट डेवलपमेंट मेचुरेशन फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन अपीयरेंस। अब देखो ये शब्द लिखा है ना यहाँ, ये शब्द वहां लिखा है, पीछे नहीं लिखा है, लेकिन यहां लिखा है मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। फिर देखो स्पर्मेटोजेनेसिस लिखा है, मेल सेक्सुअल बिहेवियर लिखा है, एनाबोलिक पाथवे लिखा है, और क्या लिखा है? इरिथ्रोपोइसिस। तो वहां इरिथ्रोपोइसिस नहीं लिखी है, तो यहां बढ़ा लीजिए। वापस चलते हैं, चलो हेडिंग डालो ओवरी। देखो भाई ओरी की सीन क्या है, पहला सवाल क्या है कि वन पेयर ओरी, ये है यूट्रस और ये है ओरी, बताओ। नहीं भाई, क्या है ओरी? कितनी है? वन पेयर कहाँ लोकेटेड है? तो बताओ ये एब्डोमेन के अंदर है कि एब्डोमेन के बाहर? इनसाइड एब्डोमेन। और कहाँ है? एट, ये यूट्रस है, यूट्रस के साइड में है, एट
साइड ऑफ यूट्रस। दूसरा क्वेश्चन, ये ओवरी है, इसके भी डुअल फंक्शन है। जैसे कहोगे डुअल फंक्शन, वैसे प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन बताओ बेटा। प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो प्राइमरी फंक्शन है ओवम फॉर्मेशन। और उसमें भी याद रखिए, ध्यान से सुनिए, हर महीने एक ओवम बनता है, अल्टरनेटली बनता है। वन ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम बनना है। तो साल में 12 महीने हैं, तो 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल हैं और दो ओरी हैं, तो अल्टरनेट काम करते हैं, एक बार राइट ओरी से फिर एक बार लेफ्ट ओरी से। ओवम फॉर्मेशन में क्या लिखोगे? वन ओवम ड्यूरिंग ईच साइकिल, लेकिन ये हार्मोन भी प्रोड्यूस करेगा। अब जब हार्मोन प्रोड्यूस करेगा तो कौन से हार्मोन? दो, एक का नाम इस्ट्रोजेन और एक का नाम प्रोजेस्टिरान। इस्ट्रोजेन को इस्ट्राडियाल भी कहते हैं। तो अभी कुछ खास बात नहीं बताई है, खास बात सिर्फ इतना बताए हैं क्या बताए हैं कि ये क्या है यूट्रस और ये क्या है वेजाइना। तो वेजाइना है, यूट्रस है, इसी जगह सर्विक्स है, उसके बगल में ओरी है। ओरी एक पेयर है, एब्डामिन के अंदर है, यूट्रस के साइड में है। ओवरी के डुअल फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन ओवम बनाओ, दूसरा फंक्शन हार्मोन बनाओ। ओवम में नियम है वन ओवम ड्यूरिंग ईच साइकिल, ठीक है। ओवरी के अंदर देखते हैं, अगर ओवरी को ध्यान से देखेंगे तो ओरी के अंदर क्या होता है? ओरी में बाहर बाहर पाई जाती है ओवम एपिथेलियम। तो ये तो हो गया ओवेरियन मेम्ब्रेन, जिसको एपिथेलियम भी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं? एपिथीलियम। दूसरा सवाल, ओरी के अंदर बहुत सारा टिश्यू होता है। ओरी के अंदर बहुत सारा टिश्यू होता है, और इस टिश्यू को कहते हैं स्ट्रोमल टिश्यू। कौन सा टिश्यू? स्ट्रोमल टिश्यू। और अगर ध्यान से देखोगे तो ओरी के अंदर पाए जाते हैं, ओरी के अंदर, ओरी के अंदर पाए जाते हैं ढेर सारे छोटे छोटे फालिकल, जिनको कहते हैं ओवेरियन। फालिकल क्या कहते हैं? ओवेरियन फालिकल। और समय बदलता है तब
यही ओवेरियन फालिकल बड़ा हो जाता है, और ओवेरियन फालिकल जब बड़ा होता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है इसको कहते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। तो ओवेरियन फॉलिकल से क्या बना? ग्रेफियन फॉलिकल बना, और ये ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर कर जाएगा और ओवा रिलीज होगा, लेकिन इसके कुछ टुकड़े अंदर रह जाएंगे। जो टुकड़े अंदर रह जाएंगे वो अंदर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस स्ट्रक्चर का नाम, उस स्ट्रक्चर का नाम है कार्पस लूटियम। अब कहानी देखें जरा, ये जो ग्रेफियन फॉलिकल बनता है यहां से हार्मोन निकलता है, कौन सा? तो आंसर देंगे इस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन निकलता है? इस्ट्रोजन। लेकिन ये जो कार्पस लूटियम है यहां से भी हार्मोन निकलता है, कौन सा? तो आंसर देंगे प्रोजेस्टीरान। लेकिन इससे काम चलेगा नहीं। अब देखो नीट 2021 में ही पूछा है, ये जो कार्पस लूटियम है यहां से निकलता है इस्ट्रोजन भी, और यहां से निकलता है रिलैक्सिन भी। ये पूछा गया सवाल है, रिलैक्सिन हार्मोन कहां से निकलता है? और ऑप्शन में था ओरी, ओरी से निकलता है, और ओरी के अंदर कहां से निकलता है? कार्पस लूटियम से निकलता है। तो हमको याद रखना है कि यहां मेन हार्मोन कौन सा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एस्ट्रोजन भी निकलता है, रिलैक्सिन भी निकलता है। तो टेस्टिस के बाद जब हम ओरी पढ़ते हैं तो ओरी में बहुत सारे स्पेशल बातें अलग आ गई। जैसे ओरी में क्या है, तो ओरी इनसाइड एब्डामिन पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन, कहाँ है? यूट्रस के साइड में है। तीसरा क्वेश्चन, ओरी में क्या क्या है? तो ओरी वास्तव में डुअल फंक्शन करती है, ये ओवम भी बनाती है लेकिन ये हार्मोन भी बनाती है। ओवम बनाने का नियम है वन ओवम ड्यूरिंग ईच साइकिल, और हार्मोन कौन कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब सवाल ये है कि एस्ट्रोजन कहाँ से बना? तो एस्ट्रोजन बना है डेवलपिंग ग्रेफियन फॉलिकल से, और प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से बना? तो कहोगे कार्पस लूटियम से। तो सवाल पूछेगा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस बाई, तो क्या आंसर दोगे? तो सबसे बढ़िया जो आंसर दोगे वो दोगे डेवलपिंग ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है? लेकिन अगर ये आंसर ना मिले तो फिर आंसर क्या दे सकते हो? तो आंसर दे दीजिएगा कार्पस लूटियम, और अगर ये भी आंसर ना मिले तो आंसर दे दीजिएगा ओवरी। ओवरी भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है? इसी तरीके से प्रोजेस्टिरान प्रोड्यूस बाई, तो क्या दोगे? तो इसका आंसर मिलेगा कार्पस लूटियम, लेकिन अगर ये ना मिले तो आंसर क्या देंगे? ठीक है, ओरी। अच्छा, ओरी भी ना मिले तो देखो आंसर क्या मिलेगा। तो हो सकता है ये आंसर मिल जाए, क्या? प्लेसेंटा। तो यहां भी यही हाल है, इसका भी एक सोर्स है क्या? प्लेसेंटा। तो देखिए क्वेश्चन वैरी करेगा ऑप्शन वैरी करने से। एस्ट्रोजन हार्मोन ओरी से निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन डेवलपिंग ग्रेफियन फॉलिकल से निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन कार्पस लूटियम से भी निकलता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन प्लेसेंटा से भी निकलता है। और प्रोजेस्टान की बात करें तो प्रोजेस्टान भी ओरी से निकलता है, कार्पस लूटियम से भी निकलता है, लेकिन अगर आंसर ना मिले तो हम किसके साथ जा सकते हैं? प्लेसेंटा से भी निकलता है। अब हमको सिर्फ दो बातें पढ़नी रह गई हैं कि एस्ट्रोजन का काम क्या है और प्रोजेस्टिरान का काम क्या है। तो देख लेते हैं,
अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इस्ट्रोजन के फंक्शन बताओ, तो जितने फंक्शन आप टेस्टोस्टेरॉन के याद रखे हो वो सारे फंक्शन किसमें सेट हो जाएंगे? इस्ट्रोजन में। जैसे वहां था स्टिमुलेट डेवलपमेंट मेचुरेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एसेसरी सेक्स ऑर्गन, तो यहां भी यही हो जाएगा, स्टिमुलेट डेवलपमेंट मेचुरेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एसेसरी सेक्स ऑर्गन, नाम बदलने पड़ेंगे। वहां कौन कौन से थे? एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस, सेमिनल वेस्किल, प्रोस्टेट और यूरिथ्रा। और यहां, अरे यहां ओरी को छोड़ के जितने नाम हैं, जैसे जैसे कि यहां पर मिलेगा यूट्रस, जैसे मिलेगा सर्विक्स, जैसे मिलेगा फेलोपियन ट्यूब, जैसे वेजाइना, ये सब मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरा जैसे वहां लिखा था स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा, तो यहां क्या लिखोगे? यहां लिखेंगे ओजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा, ग्रेफियन फॉलिकल को डेवलप कराएगा, ओवेरियन फॉलिकल को ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट कराने में इसका रोल हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा तीसरा क्या होगा? वहां लिखा था मेल सेक्सुअल बिहेवियर, यहां क्या लिखोगे? फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। वहां लिखा था मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, वहां क्या लिखा था? मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर हो जाएगा। वहां मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर में कौन कौन से थे? तो वहां था प्यूबिक हेयर, एक्जिलरी हेयर, फेसियल हेयर, एग्रेसिवनेस, कौन सी वाइस? लो पिच वाइस। ठीक है, यहाँ थोड़ा चेंज कर देंगे, यहाँ प्यूबिक हेयर होंगे, एक्जिलरी हेयर होंगे, लेकिन फेसियल हेयर नहीं होंगे। वहां लो पिच है, यहाँ हाई पिच साउंड हो जाएगी। ठीक है, वहां पर मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होगा। वहां मेल सेक्सुअल बिहेवियर है, यहाँ फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। तो बस लिख लेते हैं ऐसे। तो सबसे पहला क्या होगा? डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ फीमेल एसेसरी सेक्स आर्गन, बस नाम याद रखना पड़ेगा। फीमेल एसेसरी सेक्स आर्गन में कौन कौन से हैं? तो फीमेल एसेसरी सेक्स आर्गन में यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना है और फेलोपियन ट्यूब है। दूसरा कौन सा काम करेंगे? दूसरा है स्टिमुलेट करेंगे ऊजेनेसिस या ओवेरियन फालिकल डेवलपमेंट। वैसे फालिकल के डेवलपमेंट का मेन हार्मोन एफएसएच है, मेन हार्मोन कौन है? एफएसएच है। ठीक है, तीसरा क्या करेंगे? एपियर ऑफ फीमेल सेक्सुअल करेक्टर, और फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर कौन से? तो दो तीन नाम लिख देंगे, जैसे कौन सी? हाई पिच वॉइस, और क्या लिखेंगे? जैसे प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर, एक्जिलरी हेयर, लेकिन फेसियल हेयर नहीं, और क्या लिखेंगे यहां? मैमेरी ग्लैंड या कहोगे ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना ये इस्ट्रोजन का काम है, और ये फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है, क्योंकि मैमेरी ग्लैंड तो मेल में भी है लेकिन फंक्शनल नहीं है,
मेमेरी ग्लैंड की फंक्शनिंग और मेमेरी ग्लैंड का डेवलपमेंट किसका काम है? एस्ट्रोजन का। तो फीमेल में एस्ट्रोजन है तो डेवलपमेंट है, मेल में एस्ट्रोजन नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं है। वॉइस कैसी हो जाएगी? हाई पिच। ठीक है, और क्या? फीमेल सेक्सुअल क्या बिहेवियर, वहां क्या था? मेल सेक्सुअल बिहेवियर। देखो एनसीईआरटी खोलो, देखो ओरी में इतने लिखा है, एस्ट्रोजन में देखो लिखा है, फीमेल हैव वन पेयर ओवरीज लोकेटेड कहाँ? एब्डोमेन। ओवरी क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करेंगे क्या? वन ओवम ड्यूरिंग क्या? ईच साइकिल। लेकिन ओरी आल्सो प्रोड्यूस दो ग्रुप ऑफ कैसा? स्टीरॉयड हार्मोन। नाम क्या है? और ओवरी किसके कंपोज्ड है? तो ओवरी में पाए जाते हैं क्या? ओवेरियन फॉलिकल, और साथ में क्या मिलेगा? स्ट्रोमल टिश्यू। इस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज, ये देखो यहाँ क्या लिखा है, लिखा है मेनली, वो मेनली की बात कर रहा है, ये मुख्य रूप से कहाँ से निकलता है? ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल। लेकिन ओवुलेशन के बाद जो रप्चर फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? और वहां से निकलता है, फिर देखो लिखा है मेनली कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अब एस्ट्रोजन का काम शुरू हो गया। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस रेंज ऑफ एक्शन, जैसे पहला क्या? स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ, वहां लिखा था मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, यहां लिखा है क्या? फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। फिर देखो वहां चूंकि स्पर्म बनाएंगे, यहां क्या बनाएंगे? ओवम। तो लिखा है डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग 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 ओवेरियन फॉलिकल। क्या? ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल। तो ओवेरियन फॉलिकल को डेवलप करके ग्रेफियल फॉलिकल में कन्वर्ट करवाओ,
मतलब वहीं से निकलो और वहीं काम आओ, ठीक। तीसरा है अपीयरेंस ऑफ क्या, फीमेल सेकेंडरी सेक्स करेक्टर, जैसे जैसे कि हाई पिच वॉइस, एक ही लिखा है। हाँ, डेवलपमेंट किसका कराओ, मैमेरी ग्लैंड, मैमेरी ग्लैंड का डेवलपमेंट फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है। एस्ट्रोजन आल्सो रेगुलेट, क्या लिखा है, फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। तो जो टेस्टोस्टेरॉन के फंक्शन मेल में है, वही एस्ट्रोजन के फंक्शन फीमेल में है, लगभग लगभग, ठीक है। बस थोड़ा सा बचा है, साइड हेडिंग डाले, लिख तो रहे ही नहीं क्यों सुन रहे हैं, साइड में क्या डाले, फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टिरान। तो देखो भैया प्रोजेस्टिरान क्या करता है, देखिए प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन में तीन क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। पहला सवाल ये है कि प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट करता है, मेंटेन करता है, सपोर्ट भी करता है और मेंटेन भी करता है, किसको, प्रेगनेंसी को। इसी नाते प्रोजेस्टिरान को कहा जाता है प्रिगनेंसी हार्मोन, प्रिगनेंसी को सपोर्ट करता है, प्रिगनेंसी को मेंटेन करता है, कौन, प्रोजेस्टिरान। इसी नाते इसको कहते क्या है, प्रिगनेंसी हार्मोन। एक क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल देखो, ये स्टीमुलेट करता है मैमेरी ग्लैंड को कि मिल्क सिंथेसाइज करिए, लेकिन मिल्क सिर्फ सिंथेसिस ही नहीं करवाएंगे, मिल्क स्टोर कहाँ होंगे वो जगह भी बनवाएंगे। तो मैमेरी ग्लैंड में मैमेरी एल्वियोलाई, जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर है, काहे के लिए, मिल्क स्टोरेज के लिए। तो मिल्क स्टोर करने के लिए एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम मैमेरी एल्वियोलाई, अगर मैमेरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखा जाए तो मैमेरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर में अंदर देखेंगे तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बने हैं, एनसीईआरटी 12th वाली देखेंगे तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर उसमें बने हुए हैं, इस टाइप के ऐसे। ये जो स्ट्रक्चर है इसको अगर हम बड़ा बना दें तो ऐसा होता है, और यहाँ पाई जाती हैं ये हैं मैमेरी सेल, और यहां से बनेगा मिल्क, और जो कहां स्टोर होगा वो जाकर के यहीं स्टोर होगा इसी कैविटी में। तो मैमेरी एल्वियोलाई की सेल से निकलेगा मिल्क, और इसी पर्टिकुलर जगह, इस जगह क्या होगा, स्टोर होगा। तो मिल्क बनना और मिल्क स्टोर करने की जगह बनाना, ये दोनों काम किसके हैं, इसी प्रोजेस्टिरान के हैं। हो ये रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान मेमेरी ग्लैंड में तैयारी की जा रही है, प्रेगनेंसी के दौरान मेमेरी ग्लैंड में चेंजेज आ रहे हैं, नए मेमेरी एल्वियोलाई बनाई जा रही हैं। पर्पज है कि मिल्क बनाओ और इसी में स्टोर करते रहो, क्यों, चाइल्ड बर्थ के बाद तुरंत मिल्क की आवश्यकता होगी तो तुरंत कहाँ से आ जाएगा, तो पहले से ही बना के रखते हैं। बनवाने की जिम्मेदारी किसकी है, प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रेगनेंसी को मेंटेन भी करेगा, प्रेगनेंसी को सपोर्ट भी करेगा, मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। इसी नाते कहेंगे क्या क्या,
प्रेगनेंसी हार्मोन। देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, लिखा है प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट क्या प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरॉन एक्ट ऑन मेमेरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई जो कि है क्या सैक लाइक स्ट्रक्चर, स्टोर क्या करेंगे मिल्क और साथ में क्या कराएंगे मिल्क सिक्रीशन, मिल्क का सिक्रीशन या सिंथेसिस, मिल्क का सिक्रीशन या सिंथेसिस दोनों कराएंगे, मिल्क सिंथेसिस कहो चाहे क्या कहो, मिल्क का सिक्रीशन कहो, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन